अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जो है ना, वो बहुत दिनों बाद जो है वो अगेन व्लॉग आ रहा है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और जो है ना वो आप लोग मेरे साथ इन्जॉय करेंगे। बहुत मज़े का व्लॉग है और जो है ना वो वीडियो साथ साथ देखती रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और मेरे साथ इन्जॉय कीजिएगा। सो यहाँ पे जो है वो बारिश, बहुत हम लोग डेस्परेट हुए हैं कि बस कैसे बारिश हो जाए। ख़ासतौर पर कराची वाले बादल आते हैं रोज़ और जो है ना वो धोखा दे के चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे ज़रा सी भी फॉर मतलब हल्की फुल्की बारिश भी शुरू होती है तो बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। और बस ये था, दोपहर का टाइम था, बिल्कुल शाम जैसा मौसम हो गया था। बारिश इतनी ज़बरदस्त नहीं हुई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस हिसाब से मौसम बन गया था। आप देख रहे हैं बादल ही बादल हैं और बिल्कुल जो है ना वो गिरा हुआ आसमान बादल से, लेकिन फिर भी जो है ना वो बारिश जो है ना वो खुलकर नहीं हुई। लेकिन खैर, बारिश हो ना हो लेकिन मौसम को एंजॉय तो ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और मैंने कुछ बनाई थी आलू की कतलियाँ, उसके साथ मुझे पराठे बहुत पसंद है। तो वैसे भी दोपहर का टाइम था और दोपहर में खाने में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ख़ासतौर पर इस मौसम में। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो पराठे वगैरह फ्राई कर लिए थे और जो है वो आलू की कतलियाँ भी मेरी बिल्कुल रेडी थी। और बस इसको मैं थोड़ा सा, मैंने हल्का सा पानी डाल के ना इसको गलने के लिए छोड़ दिया था। तो आज वीडियो जो है ना वो बड़ी, एक तो बहुत दिनों बाद जो है ना वो शूट कर रही हूँ और जो है ना वो काफ़ी लंबा गैप आ गया। और जो है ना रोज़ सोची थी आज अपलोड करूँगी आज अपलोड करूँगी, लेकिन जो है वो नहीं हो पाया। चीज़ें जो है ना वो बहुत चीज़ें चल रही थी तो बस इस चक्कर में ना आजकल मैं जो है ना वो मैंने कहा चलो बस आज से स्टार्ट लेते हैं और जो है ना वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ फिर से इंगेज्ड होते हैं और जो है ना वो इनको मज़े मज़े के व्लॉग्स, रेसिपीज़ और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो बच्चों की कर दी थी छोटी सी पूल पार्टी तो बस एक पूल वगैरह जो है ना वो अरेंज कर लिया था और इसमें पूल में पानी वानी डाल के बच्चों को जो है वो खूब इंजॉय कराया और बच्चों ने करी खूब मज़े से पूल पार्टी। और उसके बाद पूल पार्टी से हम थक थका के बच्चों को, उसके बाद फिर रात में हमने किया बारबेक्यू और बस जो है ना वो बोटियां वगैरह सीखों पे लगा रहे थे हम लोग, कोयले भी जल रहे थे साथ साथ। और कोयले जलाना बड़ा ही कोई मुश्किल काम है इस गर्मी में वैसे भी, और रात के टाइम इतना हब्स हो गया था, इतनी गर्मी, बिल्कुल जो है ना वो उसके पास बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन जो मेरे हस्बैंड और भाई और पापा ये लोग मिलके सब जो है ना वो जला रहे थे कोयले वगैरह और जो है ना बस यहाँ पे बोटियों पे सीखें, मतलब सीखों पे बोटियाँ लग रही हैं। और बस हम लोग वेट में थे कि बस कैसे जो है ना वो ये बन जाएं और हम लोग जो है ना खाना वाना शुरू करें। और मैंने पराठे वगैरह सब बना के रख लिए थे, बाकी सारी चीज़ें कर ली थी, दही सलाद चटनी वगैरह सब चीज़ें बना ली थी। बस ये जो है ना वो कोयले जो है ना वो अच्छे से जल जाएं और उसके बाद जो है वो सीखें वगैरह इस पर लगा के और जो है वो बस यहाँ पे इनको खूब अच्छे से जला जा रहा है जितनी हवा हमें नहीं मिल रही थी उतनी इन बोटियों को मिल रही थी। तो बस ये बच्चे भी इतने वो मज़े कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे ये लोग। और बस ये देखें यहाँ म्यूज़िकल चेयर भी शुरू हो चुका है और हम लोग जो है वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड बारबेक्यू पार्टी नहीं थी, बस हम घर घर के लोग थे और बस हमने सोचा कि चलो बस कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, थोड़े बोर भी हो रहे थे तो भाई वगैरह ने कहा कि हम आ जाते हैं आपके घर और बारबेक्यू वगैरह कर लेते। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आओ और कर लो इन्जॉय। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हॉट पॉट लग रहा है और हर किसी की जो है ना वो था कि इस हॉट पॉट में से छोटी सी बोटी जो है वो चुरा के खा ले, सबको जो है ना वो था कि वो गरम गरम बोटियाँ खाए।